प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज हो गया है, यहाँ पे भगदड़ मच चुका है और प्रशासन साफ रोष दिखा रही है। अब जैसा दिखाई है एकदम लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पे लाठी चार्ज किया गया है और एक एक छात्र है जिनका सर भी फट गया है, लगातार लाठी चार्ज कर रहा है। अब दिखाइए, अब दिखाइए कि किस प्रकार लाठी चार्ज छात्रों के साथ किया जा रहा है और एक छात्र का सर भी फट गया है। आप यह क्लोज लग दिखाइए, ये बर्बरता दिखाई जा रही है बीपीएससी के द्वारा। एक छात्र का सर फट गया है, बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट करने आए थे और यहाँ देखिए कि बीपीएससी किस प्रकार की बर्बरता दिखा रही है। अब और यहाँ पे पहुंची हुई थी कुछ लड़कियां जिन पे लाठी चार्ज की गई है। हम आपको जैसा कि दिखा रहे हैं कि बीपीएससी के बाहर लाठी चार्ज हुआ है और आप देख सकते हैं कि एक छात्र का सर फट गया है और इस प्रकार लाठी चार्ज हुई है कि महिलाएं और छात्र जो है यहाँ पे दौड़ते हुए आपको देखे नजर आ रहे हैं। हम आपको लोगों से बात करके दिखाएंगे कि लोगों में किस प्रकार का गुस्सा है। सर लाठी चार्ज, सर लाठी चार्ज हो गया, सर फट गया, क्या कहेंगे सर? प्रशासन जवाब तक नहीं दे पा रही है, प्रशासन जवाब नहीं दे रही है। प्रशासन का अलग रवैया है, प्रशासन का ये किस प्रकार का रवैया, इस प्रकार की बातें होंगी हम जानेंगे। सर महिला को चोट आई है, प्रशासन लाठी चार्ज कर चुकी है, इस प्रकार का रवैया प्रशासन के द्वारा देखा गया है कि बीपीएससी कार्यालय के बाहर छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है जिसमें एक छात्र का सर फट गया है और कई सारी महिलाओं को चोटें आई हैं। हम प्रशासन से बात करने की जब कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया, उन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। बाकी हम पूछेंगे, हम जानेंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का रवैया है कि प्रशासन लाठी चार्ज करके विभाग इस प्रकार का रवैया अपना रही है, इस प्रकार का सख्त रवैया अपना रही है। हम प्रशासन से बात करेंगे, हम जानेंगे कि ये कैसा प्रकार किस प्रकार का रवैया। आप सबको यहाँ प्रोटेस्ट से निकाल दिया जा रहा है, बार बार आप सबको धक्के मार के बाहर किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? यही है बिहार की व्यवस्था, यहाँ बच्चे को मारा जाता है और दूसरे को आराम से दिया जाता है। हम लोग तो अपने हक की मांगे पूरी रखने के लिए रखे हुए थे बस। आपके संगठन में एक छात्र का सर फट गया, ये पता नहीं है मुझे, मैं चलिए देखिए किस प्रकार का प्रशासन का रवैया अपना रही है। कुछ लड़कियां हैं और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि प्रशासन की तरफ से जो सख्त रवैया अपनाया जा रहा है उसको लेकर वो क्या कुछ भी कहते हैं। और बहुत सारे छात्र हैं जिनका यहाँ पे सर फट गया, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि छात्र तितर बितर हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे जब लाठी चार्ज की गई तो छात्र तितर बितर हो गए। एक महिला है जिनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं और हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि आप यहाँ पहुँचे थे प्रोटेस्ट में और आप पे लाठी चार्ज की गई है। हाँ, लाठी चार्ज किया गया है, सीधा सीधी एकदम अन्याय है। हम तो ये कह रहे हैं कि आयोग सीधा सीधी कह देगा, हम पूरा सीट बेच रहे हैं, हम लोग नहीं करेंगे तैयारी, बात खत्म, नहीं हम लोग को बनना है। प्रकार का रवैया, इस कैसा रवैया मानते हैं? क्या है? आप सीधा देखिए, सीधा हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हम शांति पूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अगर आयोग कह रही है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, जैसा कि अखबारों में भी छपा है, आप हमें वेबसाइट पर लिखित में दे दीजिए, सीधा बात। अगर आपके मन में चोर नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर है। ये भी बोल रही है कि जब मैंने नॉर्मलाइजेशन के लिए कुछ जारी ही नहीं किया तो फिर किया है कैसे? नहीं, आयोग ने बात किया, पढ़िए नोटिस, जब विज्ञापन आया है उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर छात्रों की संख्या अधिक होगी तो हम 2 से 3 शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे और नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। इसीलिए तो हम लोग क्लैरिटी मांग रहे हैं कि भाई आपने कहा था कि हम क्लैरिटी देंगे, आप बताइए क्या स्थिति है। बताइए कि प्रशासन के द्वारा इन पे लाठी चार्ज हुआ, इनके पैरों में चोट आई है लेकिन फिर भी इनका हिम्मत नहीं टूटा है और ये लगातार मांग कर रहे हैं। अब बाहर देखेंगे कि एक एक छात्र का सर भी फटा है, इलाज तो करना नहीं पड़ेगा, जान जाते जाते बचा है, नीचे ढकेल दिया गया है, ऊपर से गाड़ी चल रहा था, अगर गाड़ी चढ़ जाता फोर व्हीलर मेरे ऊपर तो आज तो हम मर ही ना जाते, बताइए। चलिए चलिए, अब प्रशासन का किस प्रकार का रवैया है, एक दुर्भाग्यपूर्ण ये कदम है जो लाठी चार्ज किया गया है, छात्र नेता की गिरफ्तारी हुई है, एक छात्र का सर फटा है और एक महिला के पैर में फ्रैक्चर आई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रवैया यहाँ प्रशासन के द्वारा दिख रहा है और विभाग के द्वारा भी दिख रहा है। विभाग से जो छात्र मांग कर रहे हैं, एक छोटी सी मांग है नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल को लेकर, उसको लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छात्रों में रोष था, भीड़ था, लेकिन यहाँ प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज किया गया जिसके बाद ये भीड़ तितर बितर हो चुकी है। बाकी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ। आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।